गुजरात आमिर अल माकिन के साथ और मेरे साथ हमारे आज के मेहमान खुसूसी इतने खुश नजर आ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वो टीम जिनको इन्होंने अपना तन मन और धन भी दिया है. बड़े धन नहीं दिया भाई, धन. चलो डन डन डन, मम्मी पापा मैं तो वो टीम कल का मैच जीत गई. सीरियसली बहुत अच्छा लगा. और क्या क्या कहने हैं आपके इस बारे में? देखिए सर, ऐसा है कि अगर हम एक दो मैच हार जाएं तो लोग बड़ा अंडरएस्टिमेट कर देते हैं हमें. ठीक है, हमें बड़ी गालियां पड़े रखती हैं. ऊपर से हमारे कैप्टन जो है उन्होंने भी बोल दिया कि इसके बाद मैं कैप्टनशिप नहीं करूंगा. तो सारी तरफ से अनफेवरेबल कंडीशन ही थी हमारे लिए. बट क्योंकि हमने पिछले मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया में, तो लोग शायद से वो भूल रहे. पर अब आरसीबी ने कमबैक कर दिया है. फाइनली दो मैच जीत रही है और एक रात मैच ही और जीतना है उन्हें बचे हुए चार तीन मैचों में. एक मैच और जीतना है और फिर प्लेऑफ्स का स्पॉट है पक्का. तो क्यों लग जाएगा उनके आगे, यानी कि क्वालिफाइड हो जाएंगे. आई थिंक जो एक चीज सबसे अच्छी हुई है ना बैंगलोर में, मुझे ये जो लग रहा है मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि पहले क्या होता था कि अगर कोहली और जो पर्टिकर वगैरह आउट हो जाते थे ना, बीच वाले प्लेयर्स थे ना वो सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं बन पाता था. सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिल रहा है टीम को वो मिल रहा है तीन नंबर पे जो बैट्समैन है श्रीकांत. मिडिल ऑर्डर जो है बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया है. एक बैट्समैन अगर नहीं चलता है, ये भी नहीं चला तो मैक्सवेल चल जाएगा, तो कोई ना कोई चल ही जाता है. भारत आ गया है अभी, कितना अच्छा खेला है अगर, तो मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया है मिडिल ऑर्डर. और ऊपर से बोलिंग पर्पल पटेल भाई साहब, ये पता है आरसीबी और बोलिंग कभी हैंड इन हैंड नहीं है. ठीक है, हमेशा ऐसा होता था कि सबको पता है कि बैट्समैन हमारे पास में केएल राहुल भी रहा, गेल भी रहा और एबी डिविलियर्स कोहली, ये सब हमेशा से रहे. पर बॉलिंग में कभी कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं. अब सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सारे फॉर्म में, चहल फॉर्म में, आपके हिसाब से पर पटेल भाई साहब वो तो मतलब अलग ही धुन में है. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अनकैप्ड प्लेयर ने 26 विकेट्स एक आईपीएल में ली है और वो ये बनता है. ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुका है. दूसरा रिकॉर्ड जो ड्वेन ब्रावो का है 32 विकेट्स का, किसी भी आईपीएल में हाईएस्ट विकेट्स, आई थिंक 7 विकेट्स ही दूर है. वो भी तीन चार मैच, मतलब तीन मैच तो ऑफ कोर्स खेलने हैं ही और उसके बाद प्लेऑफ्स में हर मैच में 3 विकेट ले जा रहा है. कल के मैच में भी 3 विकेट लिए. कल के मैच का एक ही ओवर में 3 विकेट ले गया था. कल के मैच की मैं थोड़ी सी समरी बता दूं कि राजस्थान बैटिंग करने उतरा, उन्होंने बनाए 149 रन और 9 विकेट खो दिए, जिसमें चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उसने 2 विकेट दिए 18 रन देके. उसके बाद हर्षल पटेल ऑफ कोर्स 3 विकेट एंड शाहबाज अहमद 2 ओवर 10 रन 2 विकेट 5 की इकोनॉमी. वो शाहबाज अहमद के जो ओवर था ना, वो 8 ओवर करने आया, कोहली ने चेंज किया टाइम आउट के बाद, पहली बॉल विकेट और ओवर की आखिरी बॉल विकेट. तो ये दो बड़े विकेट थे जिसमें संजू सैमसन को आउट किया उसने. तो ये टाइम पे 10 ओवर में 100 रन थे ना, 10 ओवर में अराउंड 100 रन थे. और उसके बाद 149 की ओर 9 कर, यही हुआ था जब मुंबई वाला मैच हुआ कि शुरुआत के 6 ओवर में मुंबई बहुत अच्छा खेलता था, अच्छा कमबैक करना शुरू कर दिया. मतलब हर मैच में अगर गेम आउट ऑफ यार बहुत मुश्किल यार भाई, मुझे फर्क पड़ रहा है. ठीक है, सब मैच में कोई बात नहीं. भारत को और फिर मैक्सवेल ने आके कहा कि डोंट हैव अ गो एट द यंगस्टर, हैव अ गो एट मी, और अगले ओवर में उसको 20 रन मार, 22 रन मारे. मतलब देखो दो चीजें हुई उसी ओवर में, एक तो मैक्सवेल की 50 हुई, ऊपर से मॉरिस की 50 हुई, दोनों ने अपने अपने 50 पूरे किए. पर मॉरिस का स्ट्राइक रेट अच्छा था भाई, उसने 24 बॉल में 50 मारे, मैक्सवेल ने थोड़ा ज्यादा में मारे. चलो जी, अब आज के मैच की बात करते हैं. चेन्नई वर्सेस हैदराबाद. तो एक टीम जो सबसे ऊपर है अर्श पे, एक टीम जो बिल्कुल फर्श पे है. क्या चांसेस? चांसेस भाई चेन्नई पिछले 3 मैच जीत चुका है. सनराइजर्स माना कि पिछला मैच जीता है बहुत सही, पर जैसे उनके रक्षण है, वो कहते हैं ना पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं, इस पालने में तो उनके पाव दिख रहे हैं कि आखिरी नंबर पे. मतलब उन्होंने जो पिछले मैच में कुछ कुछ चेंजेस किए वो उनके लिए थोड़े से मतलब हेल्पफुल रहे. यार मैं पता है लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्रिकेटबाजी देखा करो, क्योंकि जितने चेंजेस मैं बता रहा हूँ ना या राहुल भाई बता रहे हैं वो सब, जैसे हमने सनराइजर्स के मैच से पहले बोला था कि वार्नर या जेसन रॉय खेल रहा, कल के मैच में बोला था जेमिसन की जगह जॉर्ज क्लार्टन खेल रहा. ठीक है, तो जो चेंजेस हम बता रहे हैं वो भगवान की दुआ से सही बैठ रहे हैं. मतलब आज के मैच क्या बोलते हैं, आज का मैच चेन्नई का लगता है चेन्नई तो नहीं, मतलब मेरे को भी नहीं लगता. वो क्या करेंगे चेंज, हैदराबाद को चेंज करेंगे? यार देखो समाज नहीं, नहीं समाज को नहीं. मैं डेविड वार्नर का कमेंट पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे, जहां उसने लिखा है कि अनफॉर्चूनेटली आई विल प्ले इन नो अदर गेम फॉर एसआरएच इन दिस टूर्नामेंट. तो वार्नर की जगह तो अब है ही नहीं, उसने खुद ही मना कर दिया. जेसन रॉय उनके लिए अच्छा ओपन कर ही रहे हैं, रिद्धिमान साहब उनके लिए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं,
केन विलियमसन मतलब एज अ कैप्टन जो ने जल्दी जल्दी वाली नॉट खेलनी चाहिए वो नहीं है, पर उनका बड़ा सेटल सा नॉट हो जाता है कि 40 में 50 मार दिए, तो उनके दो तीन नंबर के बैट्समैन तो सॉर्टेड हैं। मेन बात उनकी आके वहीं अटक जाती है कि प्रियम रफ नहीं चल रहा है, अब्दुल समाद नहीं चल रहा, वो वहां पे अगर कुछ चेंज कर पाए वो तो भाई और, बोलिंग में आपको लगता नहीं, मतलब मुझे भुवनेश्वर कुमार एक ऐसा बंदा है जिसे आप ये नहीं कर सकते कि इसे छोड़ से बाहर नहीं रख सकते, बट वो उसमें वो स्पार्क नहीं दिख रही है इस जितना भी सेकंड लेग में जितने भी मैचेस मैंने देखे। ये पता है बड़ा कंसर्न है कि जिन प्लेयर्स में स्पार्क नहीं दिख रही है ना, चाहे वो ईशान किशन हो, मतलब मुंबई वाले जितने बंदे हैं, हार्दिक पांड्या, चलो फॉर्म में आते हैं, संजू सैम, हां ठीक है, ऊपर से भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर, शमी, यही तीन है जो इंडिया के लिए अच्छी बॉलिंग मतलब वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, पर अब वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि अब इंडियन टीम चेंजेस की, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है और जितना मैंने खबरें पढ़ रहा हूँ उसमें ऐसा है कि इंडियन टीम चेंजेस तो करेगी, क्योंकि युजवेंद्र चहल इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, राहुल चहल उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यार आप कहाँ इंडिया टीम की, मैं तो एसआरएच की बात कर रहा था। अरे यार भाई सॉरी भाई, एसआरएच में लगता है कि कोई चेंजेस शायद अगर हुए तो, मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रही कि क्या करेंगे वो, टीम मैनेजमेंट ही अब देखेगी और लक्ष्मण भाई सोचेंगे, अब तुम कुछ भी कर लो, अब तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, विलियमसन देखेंगे क्या क्या करना है, बट देखो जी अगर अब मतलब उनका प्लेऑफ्स में पहुंचना मैं ही नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है पर बहुत मुश्किल है, बट ये कि नहीं है पॉसिबल, अब नहीं है, बाकी टीमों की पार्टियां खराब कर सकते हैं अगर मैच जीत जाए तो, और मैं बोल नहीं रहा कि अब चेन्नई की भी पार्टी कुछ खराब करेंगे, बस नहीं चेन्नई की नहीं, बट ऐसा ना अगर यहाँ से सारे मैच जीत जाते हैं और बाकी टीम्स क्योंकि अब वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो ये हो सकता है कि वो कुछ चांसेस दें बाकी प्लेयर्स को ये चेक करने के लिए, इनकेस अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो क्या कोई कोई और बताया जिसमें, मेरे को लग रहा है एक चीज में बताना चाहूंगा, चेन्नई में को लग रहा है कि सैम करन उन्हें दोबारा से नुकसान, क्योंकि उन्हें एक ही गेम में दिया था और सैम करन को उतना टेस्ट भी नहीं कर पाए, तो सैम करन उनके लिए बहुत अच्छा एसेट है जो बैटिंग भी अच्छी कर देते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर देते हैं, तो चेन्नई शायद से दोबारा से अब इस मैच में सैम करन को लेकर आना चाहे, और अगर चेन्नई ये वाला मैच जीत जाती है तो बिल्कुल ही क्वालिफाइड है, फिर तो कोई चांसेस ही नहीं है कि उन्हें कोई निकाल पाए टूर्नामेंट से बाहर, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाली टीम जीत रही है, अर्श वाली टीम जीत रही है भाई। अभी अभी आप एक काम करो ना, आप ये देख लो, आप कोई जो नीचे दो हैंडल्स आ रहे हैं ना इनको फॉलो कर लो, मेरा है राहुल मार्केट वन इंस्टाग्राम पे और शिखर का है, क्या है बताना, शिखर @_ क्या इतने एपिसोड हो रहे हैं मैं साथ में करते हुए, शिखर_vr तो मेरा हैंडल है शिखर_vr और हमारी कंपनीज के हैंडल है @HTSmartCross @FeverFMOfficial, तो जाके ये सारे हैंडल्स फॉलो करो, अगर आप हमें वीडियो पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और अगर ऑडियो पे सुन रहे हो तो यार वहाँ पे भी ना एक फॉलो का ऑप्शन आ गया है, चाहे स्पॉटीफाई, गाना सावन, एप्पल, पेंट हब पर जितने भी ऐप्स हैं वहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो जाके ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट हमने बनाए हुए हैं HTSmartCross.com पे, ऑल्सो भाई पॉडकास्ट हम कर ही रहे हैं इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे भी है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, तो आपके फेवरेट पॉडकास्ट आप और ज्यादा सुनिए, पर अभी मैच देखिए, अभी मैच देखिए, तब तक के लिए बाय-बाय।